आज मानव सेवा समिति सूरतगढ़ के तत्वावधान में कक्षा 10 व 12 की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राओं के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं व अभिभावकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों व अभिभावकों के समक्ष विषय चयन व कैरियर संबंधी भविष्य की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश व वर्तमान के में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग श्री गंगानगर श्री साबरा मोटियार ने सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर किया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि किस प्रकार दसवीं की परीक्षा में कम अंकों के बावजूद आजेएस जैसी परीक्षा सूरतगढ़ में रहकर ही उन्नतीन की। उन्होंने बच्चों को न्यायिक सेवा में उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया। समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। शिक्षाविद श्री लीलाधर गुरनानी ने अभिभावकों को शिक्षा 11 और 12 की नियमित क्लासरूम पढ़ाई के लेकर बात की। समझाने का प्रयास किया कि कक्षा 12 के बाद ही बच्चों को पढ़ाई और कैरियर हेतु बाहर जाने की आवश्यकता है, जिससे उनमें सामाजिक संबंधी संबंधों को समझने की योग्यता उत्पन्न हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि स्नातक स्तर पर विषयों को चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। श्री अजय जैन ने विज्ञान विषय में कैरियर संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया व बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देकर जिज्ञासा को शांत किया। श्री संजीव मदान ने कॉमर्स व अर्थशास्त्र विषय में भविष्य की संभावनाओं व कैरियर संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए बीमा, बैंकिंग, विनियोग, रेलवे, फाइनेंस एंड टैक्स, कानूनी एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं विद्यमान है तथा छात्र घर रहकर ही कॉमर्स की पढ़ाई कर सकता है। तथा इसी क्रम में SKD विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर श्री रामावतार मीणा ने कृषि क्षेत्र में कैरियर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। व्याख्याता सुनील ठकराल ने फार्मेसी में उपलब्ध अवसरों के बारे में मार्ग प्रदर्शित किया। श्री ग्राम विकास अधिकारी श्री लिचुराम ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से प्रेरित किया। मंच संचालन श्री देवाकर मखीजा, श्रीमती नीना एवं श्री सुश्री आरजू द्वारा किया गया। संस्थापक देवचंद दया ने समिति के द्वारा किए गए विभिन्न समाजरूपी कार्यों की जानकारी दी। ब्राह्मण समाज के युवा साथियों के आह्वान पर स्वैच्छिक रक्तदान परशुराम जी की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया। यह कैंप युवा साथी श्री दीपक शर्मा नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के बंधु व युवा रक्तदान कर रहे थे। युवा साथी दीपक शर्मा के शानदार शुरुआत की। विप्र समाज को इन युवाओं पर समाज के को गौरव है। इस मौके पर श्रीकांत शाश्वत, दीपक शर्मा, विमल शर्मा, संदीप मिश्रा, अजय शाश्वत, रजत नीरज, मनोज जानी, सोनू, विक्की, राकेश, विप्र बंधु उपस्थित रहे।